सबसे पहले अपना देश, तब हम सब आओ मिलकर देश को विश्व गुरु बनाएं, देश की शक्तिशाली बनाएं, देश अपना है सुंदर बनाएं, नवनिर्माण भारत बनाएं। आज हमारा देश है भारतवर्ष, भारतवर्ष ही नहीं समझिए कि संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया जो है भक्ति मय से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो इस समय त्योहारों का ही मौसम है, रामनवमी और माता रानी की जो इस रामनवमी में जो ये होते हैं पूजा पाठ वो भी। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुसलमान भाइयों को, मुसलमान भाई भी उनका भी त्यौहार बड़े धूमधाम, यानी बहुत बड़ा त्यौहार वो भी मना रहे हैं, उनका पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, उनको भी वो सभी बधाई के पात्र हैं जो रोजे नवाज रखते हैं और ईश्वर के प्रति अपना लगाव रखते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पूरे देश में जितने भी मंदिर है, सभी मंदिरों पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है, और भक्तों की भीड़ लगी हुई है यहाँ तक कि लोग लाइन में लगाकर घंटों इंतजार करके लाइन में लग के जाते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं और दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते, कृतार्थ समझकर वो वापस आते हैं, माता रानी से जो मन की मुरादें हैं वो मांगते हैं कि मुझे मनोकामना पूरा हो, हम आपके लिए व्रत रखेंगे। तीसरी बात ये है कि इस समय अयोध्या पूरी भक्ति में, अयोध्या से पूरे उत्तर प्रदेश भक्ति में हो गया है, क्योंकि एक जगह एक तरीका से देख जिस तरह से राम अयोध्या में मचा हुआ है, मेला लगा हुआ है, जगह जगह पे रामायण पाठ, दुर्गा माता रानी का जो पाठ है दोनों पाठ कर रहे हैं, और लोग भक्ति में तो दुनिया में जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहां की सरकार भी इस पूजा पाठ में सहयोग दिए है, और हर एक जिला में एक एक लाख रुपया दिए हैं या देंगे या दे रहे हैं, ये तो मैं पूरी तरीके से नहीं बोल सकता विश्वास से, लेकिन उनकी जो घोषणा है कि हर एक जिला में एक लाख रुपया दूंगा ये पूजा पाठ के लिए। ये तो सरकार ने जो ये कदम उठाया बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, उस कदम की जितनी तारीफ किया जाए, जितना गुणगान किया जाए कम है। इससे क्या होगा कि जो हमारे देश में गरीब दलित वंचित परिवार है, अच्छे पैसे वाले तो करते ही है क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन जो हमारे देश में गरीब है दलित है वंचित परिवार है, जिसके पास अपने आर्थिक रूप से जो कमजोर है, वो भी इस भक्ति में अपने आप को भक्ति में हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने उनको मदद किया है। इसीलिए सरकार बहुत ही जितनी तारीफ करूं वो कम है। दूसरी बात ये कि इस समय अयोध्या पूरी राम में और माता रानी में हो चुका है, वो इसलिए कि सभी जानते हैं कि अयोध्या में रामनवमी की मेला लगा हुआ है, मेले की धूम धड़कता है, बच्चे खुशियां मना रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग है वो भगवान के पाठ करते हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, माता रानी का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तमी का भी पाठ कर रहे हैं, मतलब जितना भी कहे उत्तम है। तो इससे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में इस समय मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है, और मैं पूरे देशवासियों के मुख्यमंत्री या जो
विधायक है, सांसद है, एमएलए है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप भी उस लोगों को मदद करें पूजा पाठ करने के लिए जो इससे वंचित रह जाते हैं, तो शायद बहुत ही खुशी की बात होगी। वो तो आप सभी के ऊपर निर्भर है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो मेरी राय था मैं सिर्फ अपनी राय व्यक्त किया हूँ, न कि आप लोगों को मैं कुछ कहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इस समय ईपी बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने सबों को एक नजर से देखा और एक समान अपने राज्य को लेके जा रहे हैं। आप जिस हिसाब से आप अपने राज्य को तरक्की दिला रहे हैं वो बहुत ही आप तारीफ के योग्य है। मैं आपको जितनी तारीफ करूं कम है। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।